तो हेलो गाइस, सरकारी ड्रीम मीटर चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एसएसबी में एक नई और एक भर्ती आ चुकी है। सशस्त्र सीमा बल में एक नई भर्ती आई है, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कि फॉर्म होगा आपका ऑनलाइन होगा, मेल फीमेल इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, ठीक है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिल जाएगा, लेकिन एक वीक के अंदर अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका फुल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। उसका मैं स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है वगैरह वगैरह, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दे देता हूँ। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आपके सामने है, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। गृह मंत्रालय की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है, वैकेंसी सर्कुलर है ये, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट फॉर मेल एंड फीमेल सिटीजन ऑफ, तो इंडियन के जो मतलब जो इंडिया के कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ इंडिया के, ठीक है। इसमें ना नेपाल ना भूटान कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ इंडिया अप्लाई कर सकता है। तो इसमें मेल और फीमेल के लिए दो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और तो और इसके लिए 10 पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पोस्ट है, जिसमें आपका जो इसमें पेमेंट होगा वो कुछ 56,000 से लेकर 1,77,000 तक इसका पेमेंट जा सकता है, ठीक है। वो अलग बात है, ठीक है। और तो और इसके लिए जो कुछ और जो कुछ रूल है, क्राइटेरिया है वगैरह वगैरह, वो मैं बता देता हूँ। जो आपकी पोस्ट है वो असिस्टेंट कमांडेंट की है, एज क्राइटेरिया 35 साल से आगे की होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 35 साल के आप होने चाहिए, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास कम से कम डिग्री इन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑन, मतलब आपका टेली कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग वगैरह डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके पास NCC का B नहीं तो C सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया। इसके जो लास्ट डेट है फॉर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 30 दिन मिलेंगे। जब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, उससे 30 दिन आपको दिए जाएंगे, जिसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको जो फीस होगी, ओपन कैटेगरी, EWS कैटेगरी और OBC के लिए 400 रुपये चलानी, और एक सर्विस मैन वगैरह इनके लिए और SC ST के लिए कोई चलान नहीं है, ठीक है। मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए भी नहीं है, ठीक। तो और इसकी एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये है पूरा पांचवा जो नोटिफिकेशन का पांचवा जो पार्ट है, वो बोल रहा है कि आपका जो फुल नोटिफिकेशन है वो असिस्टेंट कमांड की जो पूरी नोटिफिकेशन आएगी, PDF आएगा, उसमें पूरा आपको PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जो कि SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका नाम है WWSSBRECT.gov.in, ठीक है। मतलब उसका मतलब वो है SSBRecruitment.gov.in, ऐसा उसका फुल फॉर्म है। तो इस वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप नीचे कुछ उनके जो ऑफिसर लोगों के सिग्नेचर भी है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर आया था, ये 27/1/2020 को आया था, ठीक है। लेकिन ये हमारी तरफ थोड़ा लेट पहुंचा, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ। लेकिन आई होप मैंने जो आज आपको ये पूरा सर्कुलर दिखाया, ये जो नोटिफिकेशन दिखाया, आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और इसकी फुल नोटिफिकेशन आती है, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो आई होप मैंने जो आपको ये जानकारी दी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।